दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और साथ ही साथ आपको बता दें हैदराबाद के बीच में चल रहा है मुकाबला। यहां पर सनराइजर हैदराबाद ने एक बहुत बड़ा टारगेट यानी 229 का टारगेट दे दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले भी अनहोनी जो है उसे करके दिखाया है, क्योंकि इससे पहले भी जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर मैच को जिता दिया था। हालांकि अभी स्कोर में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश राणा की एक ऐसी इनिंग्स देखने को मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। नीतीश राणा ने पहली गेंद से ही पूरा मोमेंटम बनाए रखा और काफ़ी कम गेंदों में 50 लगा डाली। वहीं आपको बता दें कि वो 74 के रन पर आउट हो गए, आखिरकार वो कैच आउट हुए, लेकिन जो उन्होंने अपना स्कोर बनाया वो 41 गेंदों में ही बना डाला था। ये स्कोर में काफ़ी ज़्यादा छक्के शामिल थे तो चौके भी शामिल थे। नीतीश राणा की ऐसी पारी देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। 41 गेंदों में 75 रन की ये पारी बेहद ही शानदार थी और टीम को इस वक्त इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि विकेट एक के बाद एक गिरती हुई नजर आई, जिसकी वजह से मोमेंटम बीच बीच में रुक रहा था, लेकिन नीतीश राणा कीप गोइंग अपने आप को कहते रहे और इसी तरीके से रन निकालते रहे। अब देखना होगा कि आखिरकार किस प्रकार ये मैच जीता जाता है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।